ज्यादातर लोगों में भावनाएं सबसे मजबूत ताकत होती हैं। उन लोगों में भी जो सोचते हैं कि वे बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, शायद उनमें प्यार की भावना न हो, बजाय इसके उनमें चिड़चिड़ेपन, गुस्से, नाराजगी, बेचैनी की भावनाएं हो सकती हैं। तो सवाल बस ये है कि आपके भावनाओं में मिठास है और वे आपके लिए मददगार हैं, या आप में ऐसी भावनाएं हैं जो आपके खिलाफ काम करती हैं। सभी को ये चुनने की आजादी है कि आप अपनी भावनाओं को खुद को शानदार और मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी भावनाओं को कमजोर बनने और खुद को दर्द देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विकल्प हम सभी के पास है। सभी मानवीय भावनाओं का एक रासायनिक आधार है, तो खुद के लिए कुछ करें। खुद की थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग, खुद की इनर इंजीनियरिंग करने के लिए थोड़ा बहुत योग, ताकि आपके रसायन हमेशा सबसे मीठी और सबसे मजबूत भावनाएं पैदा करें, जो कि सकारात्मक हों और जो आपकी और सबकी खुशहाली की ओर हो। ये संभावना हर इंसान के लिए खुली हुई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप किस स्थिति में हैं। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा समय और ऊर्जा खर्च करने को तैयार हैं, तो आप अपनी भावनाओं का इस्तेमाल खुद को शानदार और मजबूत बनाने के लिए कर सकते हैं, और साथ ही अपने आसपास के हर एक जीवन के लिए अत्यधिक उपयोगी होने के लिए भी, क्योंकि आखिरकार आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बर्ताव करेंगे। आशा है कि आपकी भावनाएं आपके जीवन की ताकत बने। आपकी भावनाएं आप जो हैं उसकी सबसे शानदार प्रकृति बने। आपकी भावनाएं आपको अपनी भीतरी खोज में मदद करें, क्योंकि सिर्फ भावनाओं की मिठास में ही आप सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने की हिम्मत करेंगे।